हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीन ने दुनिया को सिर्फ बीमारी ही दी है, बल्कि इस देश ने कुछ सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार करके दुनिया भर के लोगों की जिंदगी आसान भी बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में आपको चीन के द्वारा किए गए कुछ बेहद ही अमेजिंग इन्वेंशंस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, बस इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। नंबर 10। दोस्तों, दुनिया को दारू पिलाने की शुरुआत भी चीन से ही हुई है। जी हाँ, तो आप कह सकते हैं कि अल्कोहल भी ऑफिशियली चीन से ही शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत पुरानी है, जब कई बार बाहर के देशों से गेस्ट आया करते थे, उनको एंटरटेन करने के लिए इस तरह की चीज़ की शुरुआत हुई। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ की एक महारानी ने सबसे पहले एक बार अल्कोहल की शुरुआत की थी और अपने हस्बैंड यानी कि किंग को पिलाया था, जिसका टेस्ट बियर की तरह था। बस दोस्तों, उसके बाद से ही अल्कोहल की शुरुआत हो गई। क्या बात है, और तभी तो चीन आज भी बड़े लेवल पे अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि चीन के लोगों के नाम ही है एक और शानदार इन्वेंशन, और वो है फोक्स। कहने का मतलब ये है कि आपको लगता होगा कि चीन के लोग तो खाना चॉपस्टिक्स से खाते हैं, फिर उन्होंने फोक की इन्वेंशन कैसे कर दी? आपको बता दूं कि सैकड़ों साल पहले ही चीन ने दुनिया को फोक्स से इंट्रोड्यूस करा दिया था। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि चीन के लोग बहुत ही क्रिएटिव है। अब समझिए कि चॉपस्टिक से आइडिया निकाल के इन्होंने फोक्स बनाए। कहा जाता है कि ये कमाल की बात है कि कैसे चाइना के लोग नई नई खोज करते रहते हैं और उसकी मदद से पैसा कमाते रहते हैं। वाकई में आज भी फोक्स की मदद से दुनिया खाना खा रही है और इसी की मदद से चीन पैसा कमा रहा है, क्योंकि वही है इसका ओरिजिनल इन्वेंटर। और उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में इन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चीन के लोगों द्वारा बनाए गए फोक्स को यूरोप के तमाम देशों में बेचना शुरू किया गया, और उसके बाद इसी फोक को साउथ और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी भेजना शुरू कर दिया गया। नंबर 8। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन के लोग शुरू से ही क्रिएटिव रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीन के लोग बहुत बिजनेस माइंडेड भी हैं। जी हाँ, तभी तो पिछले 45 सालों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा चीन ने कितनी ज्यादा तरक्की की है। जी हाँ, यह है द रेस्टोरेंट मेन्यू। आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपके सामने मेन्यू ही रखा जाता है, ताकि आप पढ़ सकें कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। बेसिकली आपको रेस्टोरेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस मेन्यू में। ये भी दोस्तों चीन ने ही दुनिया को दिया है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी सैकड़ों साल पहले, जब कई सारे दूसरे देश के बिजनेसमैन चीन में व्यापार करने के लिए आते थे। जिया कहते हैं कि उन्हें खाने पीने में दिक्कत ना हो, उन्हें लैंग्वेज समझने में कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए चीन के लोगों ने मेन्यू की शुरुआत की। क्या बात है, कहा जाता है कि इतना ज्यादा हिट हो गया कि आज हर रेस्टोरेंट में आपको मेन्यू मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 7। दोस्तों, आज के दिन में दुनिया का सबसे पसंदीदा गेम कौन सा है? जी, आप खुद ही कहेंगे कि ये फुटबॉल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? क्या आपको पता है कि ये खेल किस देश की देन है? जी हाँ, ये भी चीन का ही आविष्कार है। फुटबॉल के विकास के सफरनामे को रॉबर्ट ब्रॉड स्मिथ ने सन 1878 में एक किताब की शक्ल में पेश किया। 15वीं सदी में फुटबॉल नाम का ही एक खेल स्कॉटलैंड में खेला जाता था। 1424 ईस्वी में इसे वहां पर फुटबॉल एक्ट के तहत बैन कर दिया गया। हालांकि ये बैन जल्द ही हटा लिया गया, लेकिन तब तक लोगों में इस खेल की रुचि खत्म हो गई थी, और एक लंबे अरसे के बाद 19वीं शताब्दी में इसका पुनर्जन्म देखने को मिलता है। हालांकि इस दौरान कई अन्य जगहों पर फुटबॉल खेला जा रहा था, लेकिन आप समझिए कि कैसे चीन ने दुनिया को फुटबॉल का गेम दिया। हालांकि इस नाम की उत्पत्ति के वास्तविक स्रोत का पता नहीं चल पाया है। फीफा के अनुसार फुटबॉल एक चीनी खेल सूजू का विकसित रूप है। ये खेल चीन में हान वंश के दौरान विकसित हुआ था। इसी खेल को जापान असुका वंश के शासनकाल में केमरी के नाम से खेल रहा था। इस खेल का विकास एक लंबे अरसे तक हुआ है। कालांतर में 1586 में ये जॉन डेविस नाम के एक समुद्री जहाज के कप्तान के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रीनलैंड में खेला गया। नंबर 6। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे चीन के लोगों ने माचिस की तिली का आविष्कार किया। कहा जाता है कि 577 एडी में ही चीन ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिससे कि पूरी दुनिया का काम आसान हो गया। जी हां, कहने की बात यह है कि आप सोचिए, अगर माचिस की तिली का आविष्कार नहीं होता तो आज दुनिया कैसी होती, हम कितने पीछे होते। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ के लोगों के इनोवेटिव सोच की। जिस तरह से इन्होंने माचिस की तीली को बनाया और सही अंदाज में केमिकल्स का इस्तेमाल किया, वो बताने के लिए काफी है कि इन्होंने दुनिया का काम आसान कर दिया, है कि नहीं दोस्तों? नंबर 5। दोस्तों, एक और ऐसा इन्वेंशन जो कि सबके लिए जरूरी है, वो था टॉयलेट पेपर। जी, आपको बता दूं कि टॉयलेट पेपर का आविष्कार भी इसी देश ने किया है। इतिहास गवाह है कि सबसे पहला टॉयलेट पेपर चाइना में ही यूज हुआ था और उसका इस्तेमाल 6th सेंचुरी में ही कर दिया गया। आज दुनिया में जिस भी देश में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है,
उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि चाइना का बड़ा योगदान रहा है। आपको ये भी बता दूं कि टॉयलेट पेपर के नाम पे यहाँ की सरकार ने खूब कमाई भी की है। इतने साल बीत गए लेकिन आज भी टॉयलेट पेपर का कोई विकल्प दुनिया के पास नहीं है। आप समझिए इसकी मदद से चाइना ने कितने पैसे बनाए हैं। कहते हैं कि चाइना के लोग बहुत इनोवेटिव होते हैं और इन्हें देखकर लगता है कि वाकई में ये किसी भी चीज को बेच सकते हैं, है कि नहीं? अब भाई जो टॉयलेट पेपर बेच सकता है वो क्या नहीं बेच सकता। वेल फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा बताइए ना कि आप किस शहर से हमारी वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। नंबर 4, दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे चीन में डोमिनोज खेल की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आज या कल में डेवलप हुआ गेम नहीं है बल्कि दोस्तों इस गेम को बनाया गया था 1120 CE में। कहा जाता है कि यहाँ के उस समय के राजा ने इस खेल का आविष्कार किया था। यहाँ के लोगों को अपने काम के बाद एंटरटेनमेंट की जरूरत थी और उसी को देखते हुए इस गेम को बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर या तो लोग काम करते थे या डोमिनोज खेलते थे। कहा जाता है कि ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और 18th सेंचुरी में यही गेम इटली में गया और उसके बाद से तो ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्या बात है, लेकिन क्रेडिट तो हमें चाइना को ही देना होगा ना। नंबर 3, वेल फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आइसक्रीम खाना भी इस दुनिया को चीन ने ही सिखाया है। जी हाँ, जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों हुआ ये कि एक दिन चाइना के कपल ने अपने घर में आए गेस्ट को जूस में बर्फ डाल के पिला दिया। उस गेस्ट को ये इन्वेंशन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा क्यों ना इस तरह की कोई डिश तैयार कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद होना क्या था, इन्होंने जूस को बर्फ में बदलना शुरू किया और उसके बाद वहीं से आइसक्रीम की शुरुआत हो गई। हालांकि ये बात भी सच है कि जब इसी डिश को यूरोप में लाया गया, इसे और अच्छे से फिनिशिंग टच देकर इसका नाम आइसक्रीम रख दिया गया। क्या बात है। नंबर 2, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि चाइना के ही साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत करते हुए कैसे अर्थक्वेक डिटेक्टर का आविष्कार कर दिया। जी हाँ, इसलिए यहाँ के साइंटिस्ट ने जो काम किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ, हान नामक साइंटिस्ट की देखरेख में इस अर्थक्वेक डिटेक्टर का आविष्कार किया गया। जानते हैं ये कैसे बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि एक बड़ा सा और खूबसूरत सा देखने वाला कोलोसल अर्न अडॉन्ड बनाया गया जिसके ऊपर 8 ड्रैगन बनाए गए, साथ ही नीचे 8 रैट्स बनाए गए। यह आविष्कार वाकई में यूनिक था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि होता यह था कि जैसे ही भूकंप आए, जिस डायरेक्शन से भी आए, ड्रैगन अपने मुंह से बॉल निकालकर रैट के मुंह में डाल देता था। जी हाँ, ये था इन्वेंशन जिसकी मदद से पता चलता था कि आखिर किस डायरेक्शन से भूकंप आ रहा है। आप समझिए कि बिना कोई ज्यादा पैसा खर्च किए सिर्फ अपने दिमाग की मदद से जो इन्वेंशन अर्थक्वेक डिटेक्टर के रूप में की गई वो वाकई में शानदार था। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, आज जो हम कागज के नोट देख रहे हैं, जानते हैं वो किसके देने? गाइस, चीन ने ही दुनिया को दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किसी ने सोचा नहीं था कि कागजों का इस्तेमाल करके भी नोट बनाए जा सकते हैं, चीन वालों ने ये करके दिखा दिया। जी हाँ, वो भी ये आज या कल का इन्वेंशन नहीं है बल्कि ये सैकड़ों साल पहले का है। क्या बात है, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कई लोगों ने सवाल किए थे कि कागजों पे कैसे नोट छापे जा सकते हैं, लेकिन चीन ने ये भी आविष्कार करके दिखा दिया। आज भी जब दुनिया में सबसे ज्यादा कागजों के नोट की ही सेवा ली जा रही है तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये चीन की देन है इस दुनिया को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोज बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। Bye-bye.